शुजालपुर के सिविल अस्पताल में डायरेक्टर मध्य प्रदेश शासन पंकज जैन ने आकस्मिक निरीक्षण किया। सिविल हॉस्पिटल में हो रही अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी व एक्सरे मशीन को जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले का तमाम प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग मौजूद रहा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है सर का विजिट रहा शुजालपुर सिटी हॉस्पिटल। सबसे पहले उन्होंने देखा वहाँ पे किस प्रकार से डिमोलिशन, कितना प्रतिशत कंप्लीट हो गया है और PDC द्वारा जो है बिल्डिंग इसका नया बनाया जाना है, तो डिमोलिशन वगैरह और वो जो पूरी प्लानिंग है नए हॉस्पिटल के बनने की, उस संबंध में उन्होंने वापस से निरीक्षण किया है। इसके बाद शुजालपुर मंडी हॉस्पिटल जहाँ पे सिटी हॉस्पिटल से पूरा शिफ्टिंग होकर के यहाँ पे हमने टेम्परेरीली कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, तो इस हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। ओरिजिनली ये हॉस्पिटल जो है 30 बेडेड है, लेकिन वर्तमान में ऑलमोस्ट 69 to 70 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो इस संबंध में सर ने जो है मेटर्निटी वार्ड का निरीक्षण किया, जनरल वार्ड, OT, ये सारी चीज़ें देखी हैं और आवश्यक दिशा निर्देश सर के मिल ये रहे कि क्योंकि ये ज़्यादा कैपेसिटी पर फंक्शन कर रहा है, इसलिए साफ़ सफाई को लेकर के थोड़े कंसर्न्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो और जो पेशेंट्स हैं खासकर क्योंकि अभी गरीब पेशेंट्स का ही यहाँ पे ज़्यादा इनको रहता है, तो उनको जो बाकी सुविधाएं हैं उसमें परेशानी ना हो। यहाँ की जो अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है जो अभी बहुत समय से डिसकंटिन्यूड है, उस संबंध में भी हमें बायोमेट्रिक डॉक्टर्स का करवा करके उसको संचालित करने का, फंक्शनल करने का प्रयास करना है। और इसके अलावा जो है जब तक हॉस्पिटल हमारा वहाँ पे बन नहीं जाता तब तक यहाँ की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चले, इसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सर ने निर्देश दिए हैं। जालपुर में बेसिकली जो हमारे पास डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग के संबंध में सर से चर्चा हुई है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि उनकी ट्रेनिंग हो और वर्तमान में जो हमारे पास मशीन है इसको फंक्शनल कर पाएँ और एटलीस्ट जो हम बेसिक चीज़ें बता पाते हैं एक अल्ट्रासाउंड में, प्रयास यही रहेगा कि उन चीज़ों से भी मरीज़ों को लाभ मिले, तो हम इसी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं।